हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैंगो पेस्ट्री की रेसिपी बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और डिलीशियस है। पहले तो अब हम आम को पेस्ट बना लेंगे। ये आम पेस्ट हो चुका है, मैंने दो आम लिया था। अब एक पैन में आम को डालिए, पैन हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। अब इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालिए, नींबू का रस 2-3 ड्रॉप मिला दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए पकने दें। ये पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बाउल में मैंगो डालिए आधी और दूध 1/2 कप, इसे मिक्स कीजिए और 1/3 कप ऑयल डालना है, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, पिसी हुई चीनी 1/2 कप, क्योंकि आम हमारा मीठा है। पाउडर दूध जो मैंने गर्म पानी में घोल लिया था वो डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें मिल्कमेड भी डाल सकती हैं। अब सबको मिला दीजिए, इस तरह से हमें मिक्स करना है। एसेंस डालिए, मैंने मैंगो फ्लेवर डाला था, बाकी का दूध भी डाल के इसे मिक्स कर दीजिए। अब एक कंटेनर में अच्छे से इसे तेल लगाकर ग्रीस कर लीजिए और ऊपर से मैदा छिड़क दीजिए ताकि हमारा केक नहीं चिपके। अब केक का बैटर इसमें डाल देंगे और एक स्पिंचुला से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दीजिए। अब एक पतीली में नमक डाल के इसमें स्टैंड लगा दीजिए, इसे कवर कर दीजिए 5 मिनट के बाद, प्री हॉट होने दीजिए और उसके बाद इस अपना केक का बैटर उसमें डाल दीजिए और 30 मिनट के लिए इसे बेक होने दीजिए। देखिए स्पंज हमारा बेक हो चुका है, कितना सॉफ्ट है ये। अब हम इसे लेवल कर लेंगे पेस्ट्री बनाने के लिए। चीनी पानी का मैंने चाशनी बना लिया था, ये डाल दीजिए, इसको बीच से काट लीजिए। आइए अब हम क्रीम को बीट करते हैं और बाकी का बचा हुआ आम को इस तरह से छन्नी से छान लीजिए ताकि हमारा रेशा ना रहे। अब एक छोटी पतीली में मैंगो डालिए, इसमें 1 चम्मच और चीनी डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका के पतला बना लीजिए। इसको केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैंने बनाया है। अब क्रीम का एक लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे और चीनी पानी जो मैंने चाशनी बनाया था ना वो डाल दीजिए ऊपर से ताकि हमारा केक सॉफ्ट रहे। अब बाकी का क्रीम जो है इसके ऊपर लगा देंगे। इसे अच्छी तरह से क्रीम से केक को कवर कर दीजिए। देखिए ये चारों तरफ कवर हो चुका है। आम का पेस्ट जो मैंने पतला करके रखा था ये ऊपर से डाल दीजिए, इसे स्पैचुला से स्प्रेड कर दीजिए। आइए अब हम क्रीम को वेपिंग बैग में डालते हैं। आइए अब हम केक का पीस बना लेते हैं। आप जितना चाहे बनाइए, मैंने 3 बनाया है। अब अपने मन चाहा डिज़ाइन बना लीजिए। मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है।
अब चेरी लगा दीजिए। ये आम पेस्ट्री केक हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम बाजार के जैसा। मैं इसे अब प्लेट में निकाल लूँगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।